सीधा डाकघर में 5,000 रुपये जमा कराती है, एक महीने बाद 3,700 रुपये निकाल लेती है। यदि निकाली हुई रकम ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित की जाती है तो जमा की गई राशि किस रूप में प्रदर्शित की जाएगी, निकासी के पश्चात कितनी राशि शेष रहेगी। तो सबसे पहले शीला डाकघर में जमा कराती है 5,000 रुपये, शीला द्वारा निकाली गई राशि 3,700 रुपये, 5,000 रुपये जमा कराती है, 3,700 रुपये निकाल लेती है, तो इसको हम घटाएंगे तो हमारी शेष राशि आ जाएगी 1,300। निकाली गई राशि अगर ऋणात्मक संख्या के रूप में प्रदर्शित की जाती है तो जमा की गई राशि धनात्मक संख्या के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। दूसरा तीसरा सवाल हमारा हल कीजिए, 400 ± 1,000 ± 500, तो इसमें चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, तो प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस। तो कोष्टक के बाहर और अंदर का चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो उस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है। तो 400 प्लस माइनस माइनस होगा माइनस के 1,000, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस के 500, 400 का 400, माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती है और चिन्ह लगता है माइनस का, तो माइनस के 1,000 और माइनस के 500 को जोड़ेंगे तो माइनस के 1,500, क्योंकि संख्या यहाँ माइनस की 1,500 बढ़ी है इसलिए 400 घटाएंगे तो माइनस के 1,100 हमारा आंसर आ जाएगा। पाँचवा सवाल है माइनस के 27 प्लस माइनस के 3 प्लस के 30, माइनस के 27 कोष्टक बदलना है, चिन्ह परिवर्तन करना है, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस के 3 और प्लस के 30, माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं और चिन्ह लगेगा माइनस का, माइनस के 27 और 3 को जोड़ेंगे तो 30, माइनस का चिन्ह लगेगा प्लस के 30, 30 में से 30 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0।